हेलो एवरीवन, आज हम बनाने जा रहे हैं घर पे पनीर। तो पनीर बनाने के लिए जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है वो है हमारा मिल्क। तो हमने मिल्क लिया है और मिल्क को हमें गरम करने रखना है, उबालना है। और पनीर बनाने के लिए जो हमें खट्टा इंग्रेडिएंट चाहिए, तो हमने एक लेमन लिया है नींबू, और नींबू को काट के छान के उसका बीज अलग कर दिया है। और ये रस है नींबू का जो हम पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जब हमारा ये जो मिल्क है इसको मैंने गर्म रख दिया है, जब ये मिल्क अच्छी तरह से उबल जाएगा एक बार, तब हम इसमें धीरे धीरे करके डालेंगे ये नींबू का रस। तो मिल्क हमारा उबल रहा है, उसके बाद जब ये बनेगा उसके बाद हम ये हमने पानी लेके रखा है, पानी से इसको धोना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर भी दिखाया है। तो इसको 2 मिनट उबलने देते हैं, उसके बाद अपना प्रोसेस हम शुरू करते हैं। और ये मिल्क जो है ये अच्छी तरीके से उबल गया है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें धीरे धीरे करके ये नींबू का रस। नींबू के रस को ऐसे चम्मच में लेना है, इसको डालना है और इसको लगातार चलाते जाना है। अभी हमने 1 चम्मच डाला है, ऐसे हमें 1 और चम्मच भर के नींबू का रस लेना है और इसको इसमें डालना है और लगातार चलाते रहना है। और दूध को इस स्टेज पे कर देना है बंद। पूरा नींबू का रस डालने के बाद में ये जो हमारा पनीर है इसमें से मतलब दूध में से ये ऐसे मलाई अलग अलग हो जाएगी और पानी अलग अलग हो जाएगा। इस स्टेज पे तक आपको करना है। अगर दूध आपका बहुत ज्यादा फैटी है तो आप 1 से 2 नींबू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने 1 नींबू का इस्तेमाल किया है। अगर आपके घर में नींबू नहीं है तो आप विनेगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पर आप कोशिश करिए कि नींबू का रस ही आप इसमें डालें। बस आप इसको छान लेंगे और इसको हमने एक छन्नी में ऐसे छान लिया है। 1/2 किलो दूध से बहुत अच्छा पनीर जो है हमारा बन जाता है। और इसी स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, जिससे कि इसका जो हमने जितना भी नींबू का रस वगैरह डाला है वो इसमें से बाहर निकल जाए। और अब इसमें ठंडा पानी, जो घर का नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी होता है, तो उसमें इसको अच्छी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और डालने के बाद जैसे अपन धोते हैं ना, इसको ऐसे करके पलट पलट के इसे धो लेंगे, अच्छी तरीके से 1 से 2 बार आप पानी लीजिए और इसको अच्छे से धो लीजिए, जैसे इसका जो खट्टा नींबू का रस का जो भी इसमें एक्सट्रैक्ट है वो पूरी तरह से साफ हो जाए। और ये अच्छी तरीके से अब हमें इसका पूरा पानी निकालने तक इसको छन्नी में ही रहने देना है, उसके बाद हम इसे एक कपड़े में ट्रांसफर करेंगे। और ये इसको अच्छे से हमने इसका पानी पूरा निथार दिया है, पनीर जो हमारा ये जो हमने मलाई वगैरह से निकाला था। इसके बाद हमें एक साफ कॉटन का कपड़ा लेना है, उसमें इसको बांधना है और उसके बाद इसमें कोई भारी सामान इसके ऊपर रख के और इसको लगभग 1 से 2 घंटे के लिए आपको रखना है। तो पनीर को आप जिस भी शेप में देने चाहिए उस शेप में फिर इसको काट के हम तैयार कर लेंगे। तो मैं अभी इसको एक कपड़े में ट्रांसफर कर रही हूँ और इसको मैं ऐसे पोटली, जैसे अपन पोटली बनाते हैं उस तरह से पोटली बना के इसका और जो एक्स्ट्रा पानी वो निकाल दूंगी और उस पर रख दूंगी एक भार, और उसके बाद ये पनीर बनके हो जाएगा तैयार। पर तैयार होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमारा जो पनीर हमने बाहर रख के और ये जो बनाया था कितने अच्छे से बनके ये रेडी हो गया 2 से 3 घंटे बाद। और अब इसको अप्रोप्रिएट आपको जैसा शेप लगता है पनीर का उसमें काट लीजिए और ये बिल्कुल बनके तैयार है। और आप घर पे ही बनाइए, बहुत जल्दी बन जाता है और बहुत हेल्दी होता है बिना किसी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट के, सिर्फ दूध और नींबू और से बना हुआ। बहुत अच्छा लगता है, घर पे बनाइए और मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करिए। और देखिए इसको मैंने कट भी कर लिया है, अंदर से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट बनता है ये, और आप घर पे बनाएंगे तो आपको इसका टेस्ट भी 2 गुना लगेगा। तो आप ज़रूर घर पे पनीर बना के देखिए। और ये पनीर हम आगे की रेसिपीज़ में यूज़ करेंगे, तो आगे की वीडियोस देखते रहिए। और ये पनीर आप जब मैं रेसिपीज़ में यूज़ करूँगी तो आप भी घर पे बना के यूज़ करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू लाइक ऑल वीडियोज़ इन डिशेज विद दमिता किचन। थैंक यू एवरीवन।